हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज फ्रेंड्स देखा मैं क्या बनाया है स्पेशल डिश, ये है चंद्रमुखी चिकन है, बहुत ही बेस्ट है। देखा कितना यम्मी यम्मी लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नहीं बहुत ही टेस्टी है। आप लोग इसको कैसे भी खा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बनाने की प्रोसेस बताती हूँ। देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मिर्ची को तल के चिल्ली फ्लेक्स किया और गरम मसाला और अदरक, कोबरा सूखा कोबरा, लहसुन, तेजपत्ता, काला पत्ता, मेथी और कसूरी मेथी, बादाम और दालचीनी, लवंग वेलची लिया था। और यहाँ पर मैंने अखा धनिया और खसखस और जीरा, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, मिर्ची और कांदा लिया है। और फाइनली अपना चिकन 1.25 किलो का। अभी देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑयल डाला, जैसे ऑयल गर्म होते ही मैंने उसमें अपना कांदा बारीक काटा हुआ वो कांदा को ऐड किया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को, कोई भी पहले बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना भूलना मत। और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल का बटन प्रेस करो तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको पहले बार आ जाएगा। देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तेज पत्ता और काला पत्ता दोनों भी ऐड किया। काला पत्ता मीन्स दगड़ फूल बोलते ना फ्रेंड्स, वो वाला। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखा यहाँ पर मैंने क्या क्या ऐड कर रहा है, अखा धनिया, खसखस, जीरा और खोबरा सूखा खोबरा, और देन मैं अभी ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन के बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर अदरक। फिर यहाँ पर देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड करके लिया है, कलरफुल लगते हैं हल्दी ऐड करने के बाद। फ्रेंड्स देखा मेरे घर पे वो आइसक्रीम वाला स्पून रहता है ना फ्रेंड्स, अपने को स्टील वाली छोटा सा आइसक्रीम वाला वो स्पून है, इसलिए मैं 2 स्पून डालती हूँ। तो आप लोग आपकी हिसाब से डालो, क्योंकि मेरा गाँव का है और फिर अच्छा है हलद, इसलिए बहुत कलरफुल दिखते हैं। फिर इसमें अपना चिकन ऐड करके अच्छा से इसको फ्राई करके लेना चाहिए। मैं फ्रिज में रखा नहीं फ्रेंड्स, डायरेक्ट जैसे लाया फ्रेशली नीटली क्लीन किया हुआ डायरेक्ट मैंने बना रही हूँ। कुछ मसाला वगैरह ऐड करके मैं फ्रिज में मैग्नेटिंग करके रखी नहीं हूँ, तो अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाओ, आपका बच्चे भी खुशी से खाएगा। मेरा सिद्धू तो पीसेस बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन कल तो मांग मांग के खा रहा था, मम्मी और एक पीस करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका बच्चे भी ऐसे ही पसंद से खाएगा, तो आप लोग भी खुश हो जाएगा। प्लीज़ इस रेसिपी को आपका घर पर ट्राई करो और मेरे चैनल पर कमेंट करना तो भूलना मत। यहाँ पर मैंने स्वादिष्ट अनुसार नमक भी ऐड करके लिया है फ्रेंड्स, देखा यहाँ पर। फिर इसको अच्छी तरीक़े से मिक्स करके लेना है अपना को, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है अपना को, इसलिए अच्छी तरीके से फ्राई करने से देखा नमक जैसे डाला वैसे उसके अंदर पानी छूटने लगा चिकन में। देखा फ्रेंड्स इस पूरा पानी को अपन ख़त्म होने तक अपन अच्छी तरीके से फ्राई करके लेना है फ्रेंड्स। चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मिक्सर में जो भी डाला है ना फ्रेंड्स, देखा उसको अच्छे से ऐसे मैंने पेस्ट करके लिया है, मैं आप लोगों को दिखाई ना। फिर उस मसाला को मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करके मैंने अच्छी तरीके से मसाला पूरा पीसेस को अच्छी तरीके से लग के अच्छे टेस्ट आने जैसे मैंने मिक्स करके ले रहा है फ्रेंड्स। देखा यहाँ पर अपना मसाला डालने के बाद वाह व्हाट ए लुक ना फ्रेंड्स। फिर अभी मैं ऐड किया यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद फ्रेंड्स देखो अभी मैं 1 स्पून का सिर्फ लाल मसाला ऐड किया, क्योंकि ज़्यादा मैं लाल मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपना को चिली फ्लेक्स भी डालना है, रेड चिली फ्लेक्स ही। मैं 5-6 मिर्ची को रेड चिली फ्लेक्स तैयार किया है, उसे रेड चिली फ्लेक्स भी डालना है, फिर ऊपर से अपना को हरी मिर्ची भी डालना है, तो बहुत तीखा हो जाएगा, इसलिए पूरा अपन डालना नहीं है, देख के मतलब अपने को जितना स्पाइसी चाहिए उतना ही स्पाइसी ऐड करने का, क्योंकि पहले ही ज़्यादा लाल मसाला ऐड किया फिर आफ्टर देन अपन ऐड करेगा चिली फ्लेक्स और हरा मिर्ची तो फिर अपने को तीखा लग जाएगा ना, इसीलिए। देखा फ्रेंड्स अपना गरम मसाला और लाल मसाला मिक्स होने के बाद अपना मसाले के साथ देखा कैसा लाल लाल दिखने लगा। देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 स्पून 1.5 स्पून तक मैंने हाथ से निकाल के यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, वाह
बट कलरफुल ना फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को। ये लाल लाल दिखते होगा तेल जैसे, वो तेल नहीं है फ्रेंड्स, मैं एडिटिंग करने में फ़िल्टर पे रख रहा हूँ, इसलिए वो फ़िल्टर का वजह से वीडियो में एकदम लाल लाल दिखते हैं। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो बिना स्किप से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से नज़रअंदाज आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने कितना अच्छे से बिना तेल का मतलब अच्छी तरीके से हो गया। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी मतलब मारवाड़ी मेथी ऐड किया है यहाँ पर। ये कसूर मेथी तो वाह व्हाट ए टेस्टी लाती है ना फाइनली। ये कसूरी मेथी अपन डालने से बहुत अच्छे लगते हैं। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ढक्कन रखने का, बीच बीच में निकाल के इसको फ्राई करते रहने का। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो भी उसमें वाटर है वो सब ड्राई होने तक अपन अच्छी तरीके से फ्राई करने का। बहुत अच्छे लगते फ्रेंड्स, प्लीज़ वंस ट्राई करो आप लोग आपका घर पर, और मुझे कमेंट देना तो भूलना मत। ज़रूर मुझे आप लोग तारीफ़ करेगा कि बहुत अच्छा डिश बताया करके। और फ्रेंड्स दूसरी बात है, प्लीज़ मेरा चैनल को तो सपोर्ट करना भूलना मत, प्लीज़ प्लीज़। और बाकी ये फ्रेंड्स, मेरा व्यूज़ बहुत अच्छा आता है, थैंक यू सो मच। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना इसके अंदर की वाटर ड्राई होने लग रहा है। तो फिर अभी अपन ऐड करेंगे, मैं काजू भी स्टार्टिंग में दिखाया था ना फ्रेंड्स, वो काजू को अपन अच्छी तरीके से कूट के लेना है। मैं कूट के लिया है, वो आप लोगों को दिखाऊंगे। देखा मैंने बताया ना आप लोगों को, इसमें फाइनली लुक के लिए कड़ी पत्ता और चार मिर्ची को मैंने छील के लिया है फ्रेंड्स स्ट्रेटली। तो उस चार मिर्ची को मैंने ऐड किया है। देखा फ्रेंड्स, वाह व्हाट ए लुकिंग ना, माइंड ब्लोइंग। देखा फ्रेंड्स, काजू है मैं स्टार्टिंग में दिखा ना, उस काजू को ऐसा मैंने पाउडर करके लिया है फ्रेंड्स, उस पाउडर को मैंने उसमें ऐड किया। ये काजू का पाउडर ऐड करने का अपने को इतनी टेस्टी बनती है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। और इस काजू डालने से और सूखा खोबरा अपन इसमें ऐड करने से जो भी स्पाइसेस अपन ऐड करते हैं वो स्पाइसेस अपने को कम लगते हैं, तो बहुत टेस्टी लग जाएगा। देखा अपना चिकन ड्राई रोस्ट होने लगे है। और किसी किसी को चाहिए तो, कोई लोग तो बहुत ही ड्राई कर लेते हैं, लेकिन मेरे को जितना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे बच्चे हैं, थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए, तो उन लोग को खाने के लिए जूसी जूसी चाहिए। देखा फ्रेंड्स, कितना जूसी जूसी सॉफ्ट चिकन बना है, वाओ व्हाट ए नाइस ना फ्रेंड्स। फाइनली मैंने यहाँ पर ऐड किया है हरा धनिया, कितना लुकिंग आया ना आफ्टर हरा धनिया ऐड करने के बाद, फाइनल टच तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखा फ्रेंड्स, वाओ कलरफुल। तो अभी मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया, देखा यहाँ पर कैसे ड्राई रोस्ट हो गया अपना चिकन अच्छी तरीके से, वाओ। तो इतना तक अपना चिकन रेडी हो चुका है फ्रेंड्स फाइनली। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाजू का बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भूलना मत फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, बहुत तो कष्ट कर रहे इस यूट्यूब के लिए अच्छी तरीके से। मैं इसमें कुछ तो मैं जो भी सोचा हूँ वो अच्छी तरीके से मेरा गोल को रीच होने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना भूलना मत फ्रेंड्स। देखा यहाँ पर मैंने डिश आउट कर रहे, डिश आउट करने के बाद देखा फ्रेंड्स अपना चिकन कितना यमी यमी लग रहा है, सुपर। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।